क्लासिकल वोकल सीरीज के लेसन नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेसन 3 में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना सा चुन सकते हैं और उसके बाद आगे के सारे स्वर आपके कैसे डिसाइड होते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे के सारे लेसन्स में जो भी आपको हारमोनियम सुनाई देगा या तानपुरा सुनाई देगा वो वही होगा जो लेसन 3 में मैंने आपको बताया है। जिस तरह से मैं प्ले करूँगा वो वही पैटर्न रहेगा आगे, और कुछ चेंज अगर आगे होंगे तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आपके सीखने के अनुभव को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मैं इस तरह पैटर्न फॉलो करूँगा कि आपको ऐसा अनुभव हो, ऐसा लगे कि जैसे मैं आपके सामने बैठ के आपको सिखा रहा हूँ। गर्ल्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो पूरा लेसन देखें आराम से और फिर उसके बाद उसे अपने स्केल में सारी चीज़ों को ऐसे के ऐसे अप्लाई करें। तो उनको क्या करना है कि बहुत ध्यान से पूरे लेसन को समझना है, चाहें तो बीच बीच में रोक के भी आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस लेसन में मैं आपको आपके स्वराभ्यास को आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें आज आपको सिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि लेसन 2 में मैंने आपको जो स्वर बताए थे आपने वो याद कर लिए होंगे। तो अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। और मैं इस तरह से चीज़ें करूंगा कि बीच में गैप उतना रखूँगा जिसमें आप खुद गा सकें। थोड़ा सा पहले सा गाएंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप ध्यान दें, एक बार मैं गाऊंगा और फिर आप गाएंगे, फिर मैं गाऊंगा फिर आप गाएंगे, इस तरह से पैटर्न चलेगा। आप गाएं। अब आगे बढ़ते हैं स्वरों की तरफ। एक बार फिर से करेंगे
अब एक बार एक साथ करेंगे पूरा सा रे ग म प द नी सा सा नी द प म ग रे सा। तो ये सिंपल अभी मैंने आपका आरोह अवरोह शुरू किया है और मुझे लगता है कि आपको सारा इजीली समझ आया होगा। तो ये जो पैटर्न मैंने आज इसमें आपको बताया है कि मैंने गाया फिर आपने सुना, ये बेस्ट पैटर्न है मैंने ऐसा सोचा है, क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, सीखा भी है ऐसे, सिखाया भी है ऐसे। तो अब आपको अगर लगता है कि ये बेस्ट है तो मैं ये पैटर्न आगे ऐसे ही फॉलो करूँगा, और अगर आपको लगता है कि वो ठीक है कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आप वो अलग से बैठ के कर सक करें अलग से, तो आप अपना फीडबैक इसमें मुझे ज़रूर दें और फिर मैं आगे का स्वराभ्यास शुरू करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, कैसा लगा आपको मेरा लेसन, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।